सीरियल नमक इश्क की बात करें तो शो में कहानी को सारी सच्चाई को मालूम है ईरावती की। इसे ये भी मालूम है कि ईरावती जो थी बहुत पहले एक नाचने वाली थी। ईरावती ने ही रविकांत की ज़िंदगी बर्बाद की, उनकी फैमिली बर्बाद की, यानी कि कहानी और उसकी माँ और उसकी बहन के साथ ईरावती ने बहुत गलत किया। इसके बाद उसने रविकांत से शादी रचा ली और दोनों घर यानी कि निशिकांत के भी घर को ईरावती ही बर्बाद की है। अब ऐसे में जब सारी सच्चाई कहानी को मालूम है तो कहानी ईरावती को लास्ट मौका देना चाहती है और कहती है कि आप खुद से जाकर अपनी सारी सच्चाई बता दे युग को, नहीं तो अगर मैं बताऊंगी तो बहुत बुरा होगा। ईरावती पहले तो कहती है कि युग को तुम बताओगी तो सबूत है तुम्हारे पास, मैंने तो सारे सबूत को जला दिया है। अब यहाँ पर कहानी कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए, मेरे और युग में इतना प्यार है कि युग मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा। अब जब कहानी को ओवर कॉन्फिडेंस में ईरावती देखती है तो पहले तो वो नाटक करती और कहती है कि मैं हार गई कहानी तुमसे और तुम्हारी सच्चाई से, वेल मैं अपना सारा सच बता दूंगी। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरावती धक्का दे देती है कहानी को सीढ़ियों से, बहुत तेज कहानी नीचे गिरती है और बिल्कुल वो बेहोश हो जाती है। सोर्सेस की माने तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी की याददाश्त जाती हुई नजर आएगी। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि कहानी वो सब कुछ भुला जाएगी जो वो जानती है बड़की दीदी के बारे में, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा कि यह सिर्फ एक रूमर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।